सिंगरौली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी से गांजे की तस्करी करके एमपी में बेचने वाले एक तस्कर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देश पर नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पुलिस को सूचना मिली कि एक तस्कर उत्तर प्रदेश से गांजा लाकर यहां बिक्री करता है। इस जानकारी पर मोरबा पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे एक तस्कर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। टीआई मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तस्कर की घेराबंदी करते हुए आरोपी दिनेश कुमार वैश्य को गिरफ्तार किया। उसके पास से 60,000 का गांजा मिला है। चतरी का एक राजकुमार वैश्य और दिनेश वैश्य है, ये दोनों मिलकर इलाके में गांजे की सप्लाई भी करते थे और अपने घर से स्टॉक करके बेचते भी थे। कल मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई जिसपे इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 6 किलो गांजा मिला है, एक बाइक मिली है जिसपे ये लोग लेके उसका परिवहन कर रहे थे। NDPS के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया है। आज न्यायालय पहुँचाता था हमारे यहाँ के कुछ घर भी था। कहाँ से लेके आता था गांजा? घर से यूपी से लेके आता था। यूपी से आता था जो था यही था, झरी वजह से भी जाता था, दूसरे को नहीं जाता, झरी के घर में जाता था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।